धूप ढल रही है और धूप के ढलने के साथ ही गर्मी कम हो जाती है, ठंड शुरू हो जाती है। और जैसे ही इस समय मौसम चेंज होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने बर्ड को बदलते मौसम में बचाना। जैसे ही दोस्तों ठंड शुरू होती है, इस समय अपने बर्ड को सबसे ज्यादा खतरा रहता है बीमार होने का, मरने का। तो ऐसे में हमारे बर्ड को किस तरीके से बचाना है और हमारे सेटअप पे वो कौन से बदलाव करने हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया है कि सर्दियों में अपने बर्ड को कैसे बचाएं। हालांकि आप जानते हैं काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। ऐसे में कुछ भाइयों के मेरे पास में कॉल आए, सवाल आए कि मोहित भाई, आप आखिर इस टॉपिक पे क्यों वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने बर्ड सेटअप में वो कौन से बदलाव करें जिनसे आपके बर्ड सर्दियों में बचे रहेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्दियों के समय, इस समय मौसम जब चेंज होता है तो बर्ड को कौन कौन सी बीमारियां लगती है, उनकी कैसे पहचान करें और किस तरीके से उसका इलाज करें, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहें। तो आज के इस वीडियो में हम उन बदलाव के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे सभी बर्ड देखें, बर्ड्स का सेटअप देखें, बर्ड की कलर क्वालिटी देखें। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव है वो है बर्ड सेटअप को रात के समय कवर करना। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय जब हवाएं ठंडी चलने लगे, जब मौसम चेंज हो, जब धूप जो है ढलने लगे, उसी के बाद से आपको कॉलोनी को कवर कर देना है। खास तौर पे जब आउटडोर सेटअप हो और वो दो से तीन तरफ से अगर खुले रहे तो परमानेंट सर्दियों के समय उन्हें पैक कर दें, सिर्फ एक तरफ से फ्रंट की तरफ से खुला रखें। जैसे वजीज पैरेट की कॉलोनी है तो इसकी साइड विंडो मैंने एक बार पैक कर दी है, सर्दी सर्दी से नहीं खोलेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए मास्टर केजेस की, तो उसमें भी साइड की विंडो और साइड की तरफ के तिरपाल को हमने एक बार कवर कर दिया है सर्दियों के लिए, सिर्फ फ्रंट से ही सेटअप खुलता है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें ख्याल में रखने वाली बात होती है रोशनी। हमारे सेटअप के अंदर प्रॉपर रोशनी रहनी चाहिए। सेटअप को कवर करना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से सेटअप को कवर करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सेटअप को कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में एक तो ठंडी हवाएं चलती है, ठंड रहती है। अगर सेटअप को कवर किया हुआ हो तो जो है ठंड को हम कई हद तक कम कर सकते हैं। और सेटअप को कवर किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो गर्म कंबल होती है उसी की सहायता से हमें सेटअप को कवर करना है, वो थोड़ी सी गर्म रहती है। और सिर्फ कंबल से ही कवर नहीं करना है। अगर आउटडोर सेटअप है तो कई बार क्या होता है, ठंड के समय ओस भी गिरती है, उसमें जो है वो जो कंबल है वो गीली हो जाएगी, कंबल पर पानी आ जाएगा। इससे क्या होगा, अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो अंदर जो है वो ठंडी हवाएं जाएगी। इसके लिए हमें कंबल के बाद ऊपर जो है या तो पन्नी लगानी है या तिरपाल लगाना है, ताकि पानी जो है वो कंबल पर ना लगे, अंदर डायरेक्ट हवा बर्ड को ना लगे। तो इस तरीके से आपको सेटअप को कवर करना है। और अगर इंडोर सेटअप है तो आप थोड़ा सा एक तरफ से खुला भी रख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हम जब बर्ड के सेटअप के अंदर रोशनी के लिए LED बल्ब लगाते हैं, अब हमें LED बल्ब नहीं लगाना है। LED बल्ब को हटाकर कांच का बल्ब लगाना है। कांच का बल्ब दोस्तों हीटिंग उत्पन्न करता है, इससे जो है वो गर्मी रहती है सेटअप के अंदर। अब कांच के बल्ब में भी अलग अलग वाट के बल्ब आते हैं, जैसे 15 वाट का आता है, 40 वाट का, 60 वाट का, 80 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का। केजेस के साइज के अनुसार हमें अलग अलग वाट के बल्ब लगाने हैं। और वैसे मैं अगर मेरे सेटअप की बात करूं तो मैं बजीज पैरेट की कॉलोनी में 100 वाट का बल्ब लगाता हूं, और वहीं सभी बर्ड का जो मास्टर केजेस है उसमें 200 वाट का बल्ब यूज करता हूं। तो इसी तरीके से अगर आपका पिंजरा छोटा है तो आप छोटे से छोटा 15 वाट का बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप यही बल्ब यूज करें जो कि गर्म रहते हो सर्दियों के समय। इसके अलावा अगर तीसरे बदलाव की तरफ बात की जाए तो वो है पानी। अगर आप अच्छी तरीके से अपने सेटअप को कवर करते हैं, बल्ब भी कांच का लगाते हो, अगर आप बर्ड को देने वाले पानी के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके बर्ड बीमार होंगे, जुखाम होगा बर्ड को, बर्ड सुस्त बैठेंगे। अब पानी के बारे में हमें कैसे ख्याल रखना है? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें दिन में 2 बार पानी चेंज करना है। एक तो सुबह के समय हम करते ही हैं, उसके बाद एक बार हमें शाम के समय और करना है। और पानी हमें अपने बर्ड को नीम गर्म ही देना है, ठंडा पानी हमें अपने बर्ड को नहीं देना है। और इसके अलावा दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन में हम पानी दे रहे थे, मिट्टी के बर्तन अगर किसी भाई ने नहीं हटाए हैं तो वो हटा के प्लास्टिक के बर्तन में पानी दें। पानी को दिन में 2 बार चेंज करें, नीम गर्म पानी दें। रात के समय जब आप सेटअप की लाइट को ऑफ करते हैं उसमें पानी को निकाल दें,
क्योंकि रात भर में पड़ा हुआ पानी ठंडा हो जाता है और सुबह के समय आप 7 से 8 बजे के समय अपने बर्ड को नीम गर्म पानी प्रोवाइड करें। उस दौरान अगर आप किसी भी तरीके का मल्टीविटामिन कैल्शियम अपने बर्ड को देना चाहते हैं तो छोटे से पानी के बाउल में वो आप मिलाकर दे सकते हैं। उस समय बर्ड प्यासे होते हैं तो उस पानी को अच्छी तरीके से पी लेंगे। उसके बाद 4 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव होता है डाइट। डाइट में दोस्तों हम सॉफ्ट फूड की बात करते हैं। सॉफ्ट फूड में जो सॉफ्ट फूड जो चीज़ें हम बर्ड को रात को भिगो कर दे रहे थे उन्हें अब उबाल के देना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बर्ड को 10 सबसे बेहतरीन सर्दियों में दिए जाने वाले सॉफ्ट फूड के बारे में तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 10 वो सभी बेहतरीन सॉफ्ट फूड के बारे में बताया है जो कि सर्दियों में अपने बर्ड को देने चाहिए या मैं देता हूँ। तो उसकी लिंक आपको आई बटन में या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लें। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसके बाद 5 नंबर पे बात करते हैं सीड मिक्स का बदलाव, बर्ड को दिए जाने वाले दानों में बदलाव। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं बर्ड की डाइट का 80% भाग होता है सीड मिक्स। जी हाँ दोस्तों, और वो सीड मिक्स जिसमें दोस्तों क्या क्या हमें सर्दियों के समय बदलाव करने हैं। एक तो आप सूरजमुखी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें, अगर आप चाहते हैं तो सीड मिक्स में बाजरे की मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं क्योंकि बाजरा गर्म रहता है, सर्दियों के समय काफी अच्छा रहता है हमारे बर्ड्स के लिए। इसके अलावा आप सीड मिक्स में तिल भी ऐड कर सकते हैं, काले तिल, वाइट तिल। इसके अलावा आप सरसों के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें सर्दियों के लिए काफ़ी बेहतरीन है अपने बर्ड के लिए। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बर्ड्स की जो मटकियाँ हैं, जो ब्रीडिंग बॉक्स हैं, उनमें दोस्तों एक ब्रीडिंग खत्म होने के बाद आप सफाई करें, उनकी बुरादा चेंज करें, वो आप डालें। और वो डालने से क्या होगा दोस्तों, आपके जो बर्ड हैं जो फीमेल अंडों पर बैठेगी वो जो है वो एकदम नीचे नहीं बैठेगी। कई बार मटकियाँ भी ठंडी हो जाती है ज़्यादा ठंड के समय। उसके बाद दोस्तों आपको क्या बदलाव करना है, आपके सेटअप में बर्ड्स की कॉलोनी में नीचे की तरफ आप तिरपाल जरूर लगाएं, जो फर्श है उस पर तिरपाल लगाएं, या दोस्तों वाइट फोम आता है 6 mm का या उससे पतला भी आप लगा सकते हैं, वो अगर आप लगाएंगे उससे जो नीचे का फर्श है उसकी ठंडक आपके बर्ड को नहीं लगेगी। या जो छोटे बच्चे जब बाहर आते हैं मटकियों से, ब्रीडिंग बॉक्स से, वो सब नीचे बैठे रहते हैं तो वो बच्चे ठंड की वजह से जुकाम की चपेट में नहीं आएंगे, बीमार नहीं होंगे। या इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर्दियों के समय अपने बर्ड को दिए जाने वाला काढ़ा। मैं कई तरीके के चीज़ों को ऐड करके बर्ड के लिए एक काढ़ा तैयार करता हूँ जो कि मैं इस समय अपने बर्ड को नहीं दूंगा जब भरपूर सर्दी होगी। जब भरपूर सर्दी होगी उस समय मैं सुबह के समय वो काढ़ा अपने बर्ड को दूंगा, उससे मेरे बर्ड नेचुरल तरीके से फिट रहेंगे, सर्दियों की चपेट में नहीं आएंगे, थोड़े से हेल्थी रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो सर्दियों में अपने बर्ड को एक फूड भी दे सकते हैं। एक फूड भी सर्दियों के समय अपने बर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो चैनल पे आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगे, तो आप चैनल पर विजिट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन तक आएँ और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाय बाय फ्रेंड्स।